बहुत ही शानदार मैच चल रहा है और टीम ए भी आगे चल रही है। कैसे थे तब यहाँ पे पढ़ते थे, अब सोचिए कितने साल बाद स्कूल में आया वापस। पब्लिक वेलकम टू न्यू अनदर व्लॉग। तो गाइज, क्या हालचाल आप सभी का, आई होप कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो गाइज, आज हम आए हैं हमारे उस स्कूल में जहाँ पे हमने 8वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई की थी, यानी कि बड़ी स्कूल में, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय काछोला में। और यहाँ पे चल रहा है अभी ग्रामीण क्षेत्र के ओलंपिक खेल चल रहे हैं, फिट राजस्थान हिट राजस्थान, और बहुत ही प्यारा लग रहा है आज यहाँ पे आके। तो दिखाते हैं आपको हम इस पूरे स्कूल का आज ये व्लॉग। ये है बड़ी स्कूल का फील्ड जहाँ पे क्रिकेट कबड्डी और वॉलीबॉल खेला जाता था और यहाँ पे हम खेलते थे। और सामने दिख रहा आपको भव्य तालाब, बहुत ही बड़ा फील्ड है और यहाँ पे 15 अगस्त 26 जनवरी के कार्यक्रम भी यहीं पे होते हैं। ये है हमारा स्कूल, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय काछोला, पंचायत समिति मांडलगढ़, जिला भिलवाड़ा, जहाँ पे हमने 8वीं से लेकर 12वीं क्लास तक यहीं पर पढ़ाई की थी। और अभी यहाँ पे ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल 2023 यानी कि कबड्डी के मैच अभी चल रहे हैं। अंदर चल के आपको दिखाते हैं, बहुत ही बड़ा स्कूल है ये काछोला का। ये देखिए सामने भी चल रहा है छोटी बच्चियों का टूर्नामेंट, यानी कि कबड्डी का कार्यक्रम चल रहा है। इसके बाद में बड़ों का मैच होगा, वो बहुत ही रोमांचित मैच होगा। यह हमारी बड़ी स्कूल, बहुत ही भव्य, बहुत ही बड़ी स्कूल है। यहाँ पे 8वीं क्लास से लेके 12वीं तक पढ़ाई हमने यही की थी। ये यहाँ पे पीने के पानी की व्यवस्था, वो सामने भी टंकियाँ लगी हुई है और ग्रीनरी बहुत अच्छी है यहाँ पे, क्योंकि पीछे पहाड़ है। और ये पूरी वो स्कूल है जहाँ पे इतने सारे रूम बने हुए हैं। और ये ही वो कुआं है जहाँ पे जब सर्दियों के दिनों में बैठ के हम धूप यहीं पे सेकते थे और यहाँ पे हमारी प्रार्थना सभा यानी प्रार्थना यहीं पे होती थी, अभी भी यहीं पे होती है। और वो जो लास्ट वाला रूम है उसमें 8वीं क्लास यानी 8वीं क्लास उसमें चलती थी। और ये पूरी इतनी बड़ी स्कूल है और ये स्कूल के बहुत ही अच्छे रूम है जहाँ पे बैठ के हम पढ़ाई करते थे, ब्लैक बोर्ड फैन वगैरह, मतलब बहुत ही। यहाँ पे आने के बाद वो सारी यादें वापस ताज़ा हो गई। बड़ी स्कूल के अंदर सच में बड़ा आनंद था क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई करते थे, टीचर्स इतने अच्छे, इतनी सारी व्यवस्थाएं, इतना कुछ। अभी भी मतलब बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई चलती है, पहले भी बहुत अच्छी थी। यहाँ पे टूर्नामेंट चल रहे, टूर्नामेंट देखने आए तो सोचा कि यहाँ का एक अच्छा सा व्लॉग बनाए। और हमारे साथ मोहित जी भी है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे इतनी सारी ग्रीनरी है, यहीं पे मतलब सर्दियों के दिनों में आराम से बच्चों को बाहर बैठा के पढ़ाई करवाई जाती है। और ये पूरा जो ये आपको दिख रहा है ये बरामदा, बहुत ही बड़ी स्कूल है ये। दिनों बाद हमारी स्कूल में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि आज स्कूल में आए तो वो सारी मेमोरी एकदम से वापस कवर हो गई। हमारी कंप्यूटर लैब थी, इसके अंदर कंप्यूटर पढ़ते थे हम। और ये स्टाफ रूम है पूरा। और ये जल घर ऊपर जाने का रास्ता, वो उधर प्रिंसिपल साहब का रूम है। ये परीक्षा कक्ष, ये सामने जो आपको ये नेट लगी हुई दिख रही है, यहाँ पे वॉलीबॉल खेलते थे और अभी भी यहाँ पे वॉलीबॉल खेलते हैं। कैसे थे तब यहाँ पे पढ़ते थे, अब सोचिए कितने साल बाद स्कूल में आया वापस। बड़े दिनों बाद स्कूल में आने का मौका मिला, छोटे छोटे थे तब से। ये बॉडी वॉडी बनाने के लिए एकदम से अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं आराम से, हम भी पहले छोटे ही थे, काफ़ी बड़े हो गए, भगवान ने जल्दी बड़ा कर दिया, इतना जल्दी बड़ा नहीं करना चाहिए था। और ये जो सामने आपको दिख रहा है ये सरस्वती माता का मंदिर बना हुआ है। ये अपने नए कमरे बने हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छे, और इनके अंदर भी सारे बच्चों के लिए एकदम अच्छी सी व्यवस्था है। बहुत ही प्यारा स्कूल है गाइज, इतने दिनों बाद यहाँ पे आके बड़ा अच्छा लगा, मन बड़ा ही सुकून, एकदम ऐसा लग रहा जैसे बचपन कितना प्यारा था। और ये इतना बड़ा भव्य यहाँ पे जो मेन गेट बना हुआ है। अभी टीम ए और टीम बी का मैच चल रहा है, फिट राजस्थान हिट राजस्थान, मतलब ये ओलंपिक चल रहे हैं अभी, जो ये स्कूलों के माध्यम से स्कूलों की जो लड़कियां हैं। ए टीम ए और टीम बी का अभी मैच चल रहा है, कबड्डी का टूर्नामेंट। वाले मैच में टीम ए विजेता रही है, बहुत ही शानदार मैच था ये। और इतने सारे बच्चे और ये प्रिंसिपल मैडम यहाँ पे बैठे हुए हैं, गीता जी माहेश्वरी, ये प्रिंसिपल मैडम है, वो जेतलिया साहब है, और एंकरिंग कर रहे हैं सलाम जी पेंटर साहब। का मैच हो चुका है, टीम ए और टीम बी, टीम ए विजेता रही है, जहाँ पे सारे स्टाफ भी बैठे हुए, बहुत ही अच्छा ये मैच चल रहा है। और अभी कुछ ही क्षण में बड़ी टीम का मैच होने वाला है, जो बहुत ही शानदार कबड्डी का मैच होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर बैठे हैं स्कूल के पूरे स्टाफ जिनके सानिध्य में मैच चल रहा है, और रेफरी की भूमिका निभा रहे हैं श्री मदन जी साहू साहब, जो बहुत ही अच्छी ये कोच भी हैं और रेफरी भी, ये मतलब ये निर्णायक इनके डिसीजन होते हैं। स्कूल के अंदर
ये पीने के पानी की व्यवस्था के लिए एक टंकी का और निर्माण हो चुका है। मतलब काफी बदल गया स्कूल। पहले हम पढ़ते थे और उसके बाद 10-12 साल में पहली बार स्कूल में आए, काफी बदला सा महसूस हो रहा है यहाँ पर फीलिंग बड़ी अच्छी आ रही है। पर अब रेफरी चेंज हो चुके हैं नेक्स्ट मैच के लिए, क्योंकि जो पहले वाले रेफरी थे अब उनका मैच है। अतः खिलाड़ी आ चुके हैं दिनेश जी आचार्य, और अभी कुछ ही क्षण में इनका मैच है। सर आप भी खेल रहे हो ना? बिल्कुल सर, खेल कबड्डी। तो बड़े दिनों बाद ये मैच हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। संघर्ष तो करना पड़ता है। हालांकि ये मजाक कर रहे हैं, और ये इधर टीमों का जो भी टीम के खिलाड़ी है उनके नाम लेके फिर उनको दोनों तरफ खड़ा किया जाएगा, और अभी टॉस होगा, टॉस के बाद मैच स्टार्ट होगा। अलू जी भी खेल रहे हैं कबड्डी का मैच। आप एक्स्ट्रा खिलाड़ी हो क्या? इनके चोट लग गई इसलिए बाहर है, और मैच कुछ ही क्षण में स्टार्ट होने वाला है। टॉस हो चुका है टीम ए और टीम बी का, आज ये कबड्डी का मैच होने वाला, बहुत ही शानदार मैच होगा। स्टार्ट हो चुका है और टीम बी रेड दे रही है, और टीम ए जो इधर है, और बहुत ही शानदार मैच चल रहा है ये कबड्डी का, जो ग्रामीण ओलंपिक खेल जो स्कूल के अंदर, और बहुत ही अद्भुत शानदार गेम। और अब टीम ए रेड देने के लिए गई है, वापस टीम ए। बहुत ही शानदार मैच चल रहा है, और टीम ए भी आगे चल रही है, टीम बी पीछे है, और टीम बी रेड दे रही है अभी। टीम ए अभी बहुत ही आगे चल रही है टीम बी से। भाई स्कूल में आके बड़ा ही अच्छा लगा, और मैच बहुत ही शानदार चल रहे हैं, आनंद आ गया, सारी यादें ताजा होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए व्लॉग चैनल को। बाय बाय।